we are starting from this point, npn is equal to n factorial. Npn is equal to n factorial. Factorial and npr are related functions. जैसे अगर लिखते हैं ना 6p6, उसका मतलब हो जाता है 6 factorial. ये ब्रेक के बाद पहला कॉन्सेप्ट है, ये कॉपी करिएगा. अगर ऊपर और नीचे ये दोनों नंबर सेम हो 6p6, तो इसका मतलब होगा कि ये बेसिकली सेम आ जाएगा. फैक्टोरियल एंड npr आर रिलेटेड फंक्शंस. ये वाली स्क्रीन देखें, देखो अब एक और फॉर्मूला देखो. npr को बगैर कैलकुलेटर सॉल्व करने का तरीका, npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r इनटू फैक्टोरियल. ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी. ये कब यूज होगा? जब आप कैलकुलेटर यूज ना कर रहे हो, सॉरी जब आप विदाउट कैलकुलेटर का सवाल आया. फॉर एग्जाम्पल देखो 7p3 ऊपर है 7 फैक्टोरियल, नीचे है 7 माइनस 3. ये तरीका बगैर कैलकुलेटर के अगर आपको परम्यूटेशन करनी हो तो ये उससे होगा. ये वाली स्क्रीन देखें.
परम्यूटेशन केसेस डिजिट्स टू फॉर्म नंबर्स, अगर तुम्हें सवाल में डिजिट्स नजर आए जिनको तुम शफल करो तो फर्क पड़ेगा जाहिर है, लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स, ग्रुप फोटोग्राफ्स, कास्ट लिस्ट, ये जब भी आपको पेपर में नजर आए आप समझ जाएं कि ये परम्यूटेशन केसेस हैं। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी, एक्सरसाइज 13.2। सब लोग इसी फाइल को आप यूज कर सकते हो और आप चाहो तो अपनी बुक ले आओ। एक्सरसाइज 13.2 जस्ट एक पेज इसमें नहीं आ रहा, 13.2। अच्छा इसमें मेरे पास ना पहला पेज एक्सरसाइज 13.2 का पहला पेज नहीं आ रहा। एनीवेज आप बुक से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 जो है वो फैक्टोरियल से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फैक्टोरियल से होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टोरियल से होगा। अब वो लोग याद कर लें कि फैक्टोरियल कब लगाते हैं, जब जितने लोग हों उन सबको अरेंज करना हो तो उस वक्त हम फैक्टोरियल कॉल करते हैं। ये वाली एग्जाम्पल देखिएगा,
देखो अब क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फोर डिजिट नंबर्स यूजिंग ऑल द डिजिट्स इन द नंबर 4129. हमारे पास अब नंबर है 4129. अब जैसे आप समझ लीजिएगा पहले कि ये ब्लॉक डायग्राम कहलाती है और ये आमतौर पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूज होती है क्योंकि इसमें ज्यादा कोई लंबी चौड़ी वर्किंग तो होती नहीं है, है तो ये थिंकिंग टॉपिक ना, ज्यादातर आप सवाल जो है वो सोच के करते हैं. हाँ लेकिन इसकी मैं डायग्राम आपको बता रहा हूं कि पेपर में ये डायग्राम जरूर बनानी चाहिए, बहुत इंप्रेसिव होती है. तो आपने पहले तो ये लिख लिया, अब आप ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा. इसको कहते हैं ब्लॉक डायग्राम. चलो अब आप देखो एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2. अब पेपर में देखो, जब तुम पेपर में ये क्वेश्चंस देखोगे ना, सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हमें एनपीआर लगाना है, एन फैक्टोरियल लगाना है या एनसीआर लगाना है. सारी गड़बड़ यही होती है. पेपर में ये डिटरमाइन करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको लगाना क्या है, एनपीआर लगाना है, एनसीआर लगाना है, एन फैक्टोरियल लगाना है. डिजिट्स टू फॉर्म नंबर्स, अब चूंकि नंबरों को आगे पीछे करें फिर तो लाजमी फर्क पड़ेगा. अगर आप नंबर्स को आगे पीछे करेंगे तो उससे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, इसलिए वहां पर आप एनपीआर को कॉल करेंगे. अब आप ऐसे लिखिएगा जैसे मैंने अभी लिखा है क्वेश्चन टू के लिए, आप भी ऐसे लिखिएगा क्योंकि पेपर में सवाल सॉल्व करना मसला नहीं होता. इस चैप्टर में असल प्रॉब्लम ये होता है कि ये देखना होता है कि क्या ऑर्डर मैटर कर रहा है या ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा. अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो फिर आप जो एनसीआर है वो नहीं लगाते, अगर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा तो एनसीआर लगाते हैं, अगर ऑर्डर मैटर कर रहा हो तो फिर एनपीआर लगाते हैं. ये वाली स्क्रीन लेफ्ट वाली चीज कॉपी होगी.
ठीक है, आपने पहले ऐसे बना लिया, आपको एग्जाम में ये समझ आ गया पहले के सवाल में ये है। अच्छा फिर आप क्या करें, छोटा सा बॉक्स वाला डायग्राम बना दें, डिजिट्स हैं 4, 1, 2 एंड 9, एग्जामिनर को ऐसे दिखाएं और फिर उसके नीचे वर्किंग कर दें। अब मैंने फैक्टोरियल क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि जितने नंबर्स दिए हुए हैं सारे यूज करने हैं तो फैक्टोरियल आता है। क्वेश्चन नंबर 2, ये वर्किंग ऐसे आएगी। सर हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, लाइक 4b1 × 3 × 2 × 1। नहीं असल में ये वही चीज हो जाती है, बिल्कुल आप कर सकती हो, लेकिन आप ये सीखो कि अगर आपके पास चार नंबर हैं और आपको चारों यूज करने हैं तो फिर आप सीधा फैक्टोरियल लगाएं, फिर आप एमपीआर को कॉल ना करें, आंसर वही आएगा। बट ये जरूर रखें एमपीआर और फैक्टोरियल दो अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज है। लेकिन अगर आपके पास 6 स्टूडेंट्स हैं और आपने 5 को लेना है तो एमपीआर आएगा, 6 स्टूडेंट्स हैं और 6 के 6 को लेना है तो फैक्टोरियल आएगा। सब लोग ये वर्किंग देखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए, वहां से अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 7। देयर आर 5, देखो 7 7 में लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर इवेल्युएट दिस। आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना और इसको सॉल्व करके दिखाना है। मैंने आपको बताया था कि आजकल एडवांस में ये स्टाइल बन गया कि वो बगैर कैलकुलेटर के क्वेश्चन करवाता है। ये सॉल्व कैसे होगा, ऊपर तो आप 4 फैक्टोरियल ही रखें, नीचे कर दें 5 × 4 फैक्टोरियल, काट दें और 7 ये बन जाए। अब इसके बाद देखें पार्ट नंबर बी, और पार्ट नंबर सी, ये दो पार्ट्स मुझे और करके दें, ये दो पार्ट्स भी करके दें।
सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द बी पार्ट. अब देखो ये सवाल देखो, इसमें नंबर नहीं है बल्कि ये अननोन की फॉर्म में है। एक वर्किंग इसकी भी देख लो तुम, यहाँ नीचे जो n फैक्टोरियल लिखा है उसकी जगह लिख सकते हो n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, इसको फिर सिंप्लीफाई कर दो।
अब ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं। अब आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, 9 का पहला पार्ट देखो 73। फॉर्मूला मैंने दोबारा लिखा है, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। आप क्वेश्चन नंबर 9 कॉपी करो। अब आप इसको बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करिएगा, इसको कैलकुलेटर के बगैर सॉल्व करें। मैंने इसकी वर्किंग शो की है। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो। इन अ मैथमेटिक्स क्लास विद 30 स्टूडेंट्स द टीचर वांट्स टू डिफरेंट स्टूडेंट्स टू प्रेजेंट द सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स 3 एंड 5 ऑन द बोर्ड। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर असाइन द प्रॉब्लम। अब आपके पास एक क्लास में 30 बच्चे हैं। टीचर चाहता है कि दो अलग अलग बच्चों से ये करवाए, एक दो क्वेश्चंस हैं 3 और 5। लेकिन जब आपने क्वेश्चंस को नंबर कर दिया तो ऑब्वियसली नंबर ऑर्डर है, यानी अब जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, मैं 10 करवाऊं और 10 कराने के बाद 9 पर चला जाऊं तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि यार ये ऑर्डर क्यों ब्रेक हुआ। तो जब आप क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं तो फिर ऑर्डर मैटर नहीं करते, ऑर्डर ब्रेक हो जाता है, सॉरी वो फिर ऑर्डर स्टैब्लिश हो जाता है। तो जब आप इस तरह का क्वेश्चन देखें तो आप ये देखेंगे कि आपने ऑर्डर जो है वो मेंटेन करना है। अब मेरे पास स्टूडेंट्स कितने हैं 30। एक कॉमन सेंस की अप्रोच ही है कि जब मैं पहले बच्चे को बुलाऊंगा तो मेरे पास 30 ऑप्शंस होंगे, पहला बच्चा आ गया। जब मैं दूसरे बच्चे को कॉल करूंगा तो मेरे पास 29 ऑप्शंस होंगे, तो फिर मैं क्या करूंगा, 30 × 29। मैं इसको फैक्टर से भी कर सकता हूँ, परमिटेशन से भी। पहली अप्रोच ही है 30 × 29
और दूसरी सिस्टमैटिक अप्रोच है 30P2। क्वेश्चन नंबर 10। How many five-digit numbers can be formed from the digits this, this, and this if no digit may be repeated? Question number 14. Sab log 14 padhiyega. ठीक है, अब आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा, अब जैसे ठीक है, इसमें 65, ठीक है, तो अब जब आप इसको पढ़ेंगे तो मैंने आपको समझाया कि ये क्वेश्चन वैसे बड़े आसान है, 65 आ गया। इसमें असल चैलेंज ही है पेपर में कि आपको कैसे पता कि सवाल में एनपीआर लगेगा, क्योंकि सवाल कह रहा है डिजिट्स टू फॉर्म नंबर्स। इसका मतलब है कि सवाल एनपीआर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 कर ले।
क्वेश्चन नंबर 15 कास्ट लिस्ट ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट. अब ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको पढ़ना पड़ेगा. 15 एक मतलब आप पढ़े. फाइव एक्टर्स एंड एट एक्ट्रेसेस आर अवेलेबल फॉर अ प्ले. जब आप कोई प्ले करते हैं स्टेज पे जाकर या ऐसी कोई चीज होती है तो वहां पर जाहिर है ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर ऑर्डर बदल जाए तो पूरा प्ले खराब हो सकता है. इसलिए वहां पर ऑर्डर मैटर करेगा. ये जो कास्ट लिस्ट होती है ये ऑर्डर में होती है. तो आप पहले ये क्लियर करोगे कि कास्ट लिस्ट है इसलिए ऑर्डर इंपॉर्टेंट है. फिर आप पढ़ो फाइव एक्टर्स एंड एट एक्ट्रेसेस फॉर अ प्ले विच रिक्वायर्स थ्री मेल. तो पांच में से तीन लोग चाहिए मुझे और आठ में से चार लोग चाहिए. तो मैं इसको इसी ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूं. एंड का मतलब है मल्टीप्लाई. शुरू करें. क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े. इन हाउ मेनी वेज कैन थ्री बॉयज एंड टू गर्ल्स लाइन अप फॉर अ ग्रुप पिक्चर. इन हाउ मेनी वेज कैन दे लाइन अप इफ अ बॉय इज टू बी एट ईच एंड. अब पहला पार्ट ये है कि तीन बॉयज हैं दो गर्ल्स हैं तो जैसे मर्जी खड़े हो जाए ग्रुप पिक्चर आ जाएगी. इन हाउ मेनी वेज कैन दे लाइन अप इफ अ बॉय इज टू बी एट ईच एंड. दोनों कॉर्नर्स पे हम चाहते हैं कि बॉयज खड़े हों. ये रिस्ट्रिक्शन कहलाती है. इस चैप्टर में हम पहले तो सिंपली एड्रेस करते हैं थ्री बॉयज टू गर्ल्स लाइनअप. टोटल हो गए पांच बच्चे. अगर पांच बच्चे खड़े होते हैं तो सिंपली क्या होगा फाइव फैक्टोरियल. सवाल के दो पार्ट्स. तो अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 16 शुरू करो.
इसके साथ आ जाएगा 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. हाँ, पहले पार्ट का आंसर आ गया 120. दूसरा पार्ट जरा ट्रिकी है. इसमें क्या करते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और ब्लॉक डायग्राम में इस कोने पर एक बॉय आ गया, दूसरे कोने पर भी एक बॉय कर दिया. अच्छा, अब जब दोनों कोने पर एक एक बॉय है तो जब पहले बॉय को कॉल करेंगे तो वो होगा 3P1. वो 3P1 क्यों होगा, क्योंकि बॉयज है कितने, आपके पास टोटल बॉयज है 3. आपके पास टोटल बॉयज है 3, उनमें से एक आ जाए, फिर दूसरे कोने पर भी बॉय आ गया. इसमें दो बॉयज है, उनमें से एक लेना है क्योंकि एक तो पहले आ चुके हैं ना, तो दोनों कोनों पर एक एक बॉय आ गया. आप लोग इसको जैसे मैंने स्क्रीन पे दिखाया ऐसे ही कॉपी करिएगा. सब लोग अपने कैमरास को बंद रखिएगा. हाँ, तो मैंने ये शो किया, देखो मैंने ये शो किया कि पहले बॉय के लिए 3P1 होगा, दूसरे बॉय के लिए 2P1. ठीक है, अब बीच में देखो, बीच में कितनी सीटें हैं, बीच में तुम देखो कि 3 बॉक्सेस हैं और 3 पीपल हैं. दिस इज अ वेरी गुड वे टू अंडरस्टैंड कि अगर 3 सीटें हैं और 3 लोग बाकी हैं तो आप क्या करें, आप उसको 3 फैक्टोरियल बीच में रख दें. व्हाई 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 सीटें हैं और 3 ही लोग हैं, और उसको फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा. जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा. सब लोग इसी तरह अपनी वर्किंग को डेवलप करें, सब लोग इसी तरह अपनी वर्किंग को डेवलप करें. हाँ, आंसर जब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ रहा है 36. ठीक है, अब हम यहां पर एक शॉर्ट ब्रेक कर रहे हैं 10 से 15 मिनट का, और हम इसको फिर 10 से 15 मिनट के बाद शुरू करते हैं. मैं इसमें लॉग ऑफ करूंगा और 15 मिनट के बाद आगे लॉग इन अगेन. ये टॉपिक अभी चल रहा है, यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक है. गुड, 17 जो है, अच्छा फीडबैक है, गुड, शाबाश.